महानगर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी लोग कटिया कनेक्शन के माध्यम से बिजली चोरी कर रहे हैं। महानगर में सड़क और बांधों के किनारे लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर जीवन यापन करने वाले कटिया कनेक्शन कर अपने घरों को रोशन करने के साथ साथ विद्युत विभाग को लाखों का चूना लगा रहे हैं। विद्युत विभाग अब झुग्गी झोपड़ी और टीन शेड डालकर गुजर बसर करने वाले लोगों के विद्युत कनेक्शन की जाँच करवा कर उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से विद्युत कनेक्शन देगा। अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन लेकर अपने घरों को रोशन करने वालों के पास आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र ना होने पर विभाग कार्रवाई करेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता प्रवीण कुशवाहा से बात करते हुए विद्युत नगरीय वितरण मंडल के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर एस के सिंह ने कहा, ये शहर में जो कि है कुछ जगहों पे जो जहाँ पर कि कुछ बाहर से आकर के लोग अपना टेम्परेरी सेट वगैरह बना करके रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ घटिया कनेक्शनों की शिकायत प्राप्त हुई है। तो उसको जो कि है जाँच करा करके, पहले भी हम लोग करवाए हुए हैं कि अगर जिनके पास आधार कार्ड है और वहाँ पे अगर कोई अकुबायर का प्रमाण पत्र उनके पास है जिस परिसर पे वो रह रहे हैं, तो उनको कनेक्शन दे करके काफ़ी कुछ रेगुलराइज भी किया गया है और इसको एक बार पुनः अभियान चला करके इसको जो कि सही कराया जाएगा। सर, अगर आधार कार्ड नहीं होंगे और वो गैर कानूनी तरीके से बिजली का कनेक्शन लेके काम चला रहे हैं सर, तो ऐसे में क्या कार्रवाई करेंगे सर? नहीं, गैर कानूनी तरीके से तो फिर इसका मतलब कि वो इलीगल बिजली चोरी कर रहे हैं, तो जो चोरी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो कि है FIR दर्ज करा के कार्रवाई की जाएगी। और अगर उनके पास कोई पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, या वहाँ पे कोई अकुपायर का उनके पास कोई प्रमाण है जिस परिसर में वो रह रहे हैं, तो उनको अकुपायर श्रेणी में कनेक्शन जो की है हम लोग अवश्य देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कनेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन अकुपायर श्रेणी में सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कनेक्शन देंगे। अगर वो कनेक्शन नहीं लेंगे तो उनके खिलाफ जो की है FIR की कार्रवाई की जाएगी।